जी भोजन के बाद जो रस और मठा पीने के लिए बताए थे आप, तो क्या ये आम हृदय को शांति करेगी? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बहुत अच्छा सवाल। देखिए, इस सवाल को मैं और थोड़ा विकसित करूं, मैं इंतजार कर रहा था कोई पूछे तो मैं बताऊं। ये सवाल कुछ इस तरह का है कि मठा है ना, उसमें पानी ही है, आप जानते हैं, शायद उसमें 90% तक पानी है, दही तो सिर्फ 10% होता है, और जूस पी रहे हैं उसमें भी पानी ही है, और दूध पी रहे हैं उसमें भी पानी है। अब बागवट जी एक तरफ तो कह रहे हैं कि खाने के बाद पानी मत पियो, और दूसरी तरफ कह रहे हैं मट्ठा जरूर पियो, दूध जरूर पियो और फल का रस पियो, तो उसमें तो पानी ही है, तो क्या वो पानी जठर अग्नि को शांत नहीं करेगा? प्रश्न ये है, ये पूरा नहीं पूछ पाए, मैंने पूरा कर दिया। इसका बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन बागवट जी करते हैं। वो ये कहते हैं कि पानी का जो गुण है वो अपना कुछ नहीं, पानी को जिस पात्र में रखा है या जिसमें मिलाया है उसी का गुण वो धारण करता। आपने एक पुराना गाना सुना है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, फिर आगे है जिसमें मिला दो उस जैसा। तो आपने पानी को मिलाया दही में, तो अब वो पानी का गुण नहीं है, अब वो दही का गुण धारण करेगा। पानी को आपने मिलाया जूस में माने फल में, तो फल के जो गुण है वो पानी में आ जाएंगे, और पानी है दूध में तो दूध के सारे गुण वो धारण कर लेगा। इसलिए मट्ठा पीने को खुली छूट है, पेट भर के पीजिए, दूध पीने को खुली छूट है, पेट भर के पीजिए, जूस पीने को भी खुली छूट है, सादा पानी मत पीजिए, खाली पानी अग्नि को शांत करता है। जी राजीव भाई, आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग कॉफी या चाय पी के और उसका ये सवा सत्यानाश, रीजन बताऊंगा परसों, क्योंकि ये परसों आने वाला है। कभी भी कोई गर्म चीज आप जैसे ही खाते हैं, कोई भी गर्म चीज, चाय पिया या कॉफी पिया या गर्म दूध पिया या गर्म खाना खाया, तो पेट फिर वही काम पे लग जाता है। क्या काम है पेट का? पहले ज्यादा गर्म वस्तु को पेट के तापमान पर लाता है पेट। आपका पेट का तापमान वही है जो मुंह का है, तो पेट का तापमान लगभग 39 से 40 डिग्री के आसपास है। तापमान अंदर जो है ना 55 डिग्री 60 डिग्री अगर चाय का है, तो पेट उसको पहले 40 डिग्री पर लाएगा। तो ये काम में जब तक पेट लगा हुआ है तब तक आपने कोई ठंडी चीज खा ली, जैसे उन्होंने कहा आइसक्रीम खा ली, कॉफी के बाद आइसक्रीम खा ली। अब कंफ्यूजन वहां ये होता है कि क्या करें, वो पहले गर्म कॉफी को ठंडा करे या ये जो गर्म ठंडी आइसक्रीम आई इसको गर्म करे, तो फिर तो बहुत ही कंफ्यूजन होता है, तो इसमें हो जाएगी समस्या। इसलिए कॉफी चाय के बाद ठंडी आइसक्रीम कभी भी ना खाएं, और ठंडी आइसक्रीम के बाद चाय कॉफी कभी भी ना पिए। जी देखिए, इन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, दूध को बागवट जी ने बोला है शाम को ही पीना है। अब इनका प्रश्न यह है कि हम सुबह चाय पीते हैं कॉफी पीते हैं तो दूध उसमें होता ही है, तो क्या करें? बागवट जी के किसी भी शब्दकोश में चाय भी नहीं है, कॉफी भी नहीं है, क्योंकि बागवट जी 3500 साल पहले हुए, ये चाय कॉफी तो 250-300 साल पुरानी है, ज्यादा से ज्यादा 400 साल पुरानी। हां, काढ़े का जिक्र उन्होंने किया, काढ़ा आप समझते हैं जो रोज आप यहां पी रहे। वो ये कहते हैं कि जो काढ़ा आपके वात को कम करे, आपके पित्त को कम करे और कफ को कम करे, ऐसा कोई भी काढ़ा दूध के साथ मिलाकर सुबह पिया जा सकता है। जैसे आज आप काढ़ा पीने जा रहे हैं वो अर्जुन की छाल का काढ़ा है। अर्जुन की छाल का काढ़ा आप जानते हैं वात को सबसे तेजी से कम करने वाला है। शरीर की जो एसिडिटी होती है ना, रक्त की एसिडिटी, एक होती है पेट की एसिडिटी, उससे भी ज्यादा खराब है रक्त की एसिडिटी। खून की अम्लता ही है जो हार्ट अटैक लाती है। तो रक्त की एसिडिटी को कम करने की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी चीज में बागवट जी ने बताई है तो वो अर्जुन की छाल है। तो आज आप काढ़ा पिएंगे अर्जुन की छाल का, और दुर्भाग्य से या सौभाग्य से ये कुछ ऐसा समय है, दिसंबर जनवरी और नवंबर, ये वात का ही समय है, शरीर में वायु का प्रकोप ठंड के दिनों में ज्यादा होता है। उस समय अगर आप अर्जुन की छाल का काढ़ा दूध में बनाकर पिए तो आपके लिए औषधि है। जी नहीं, गरम गरम गरम,
क्योंकि वो औषधि है, भोजन नहीं है। भोजन और औषधि में अंतर बताया। भोजन वो है जो 24 घंटे में आप नियमित रूप से आपके पेट की आवश्यकता के अनुसार खाएं और सालों साल खाते जाएं। औषधि वो है जो थोड़े समय के लिए तात्कालिक प्रभाव के लिए आप पिए। ठंडा काढ़ा कोई है नहीं इस देश में, बनता भी नहीं। माने सुबह दूध पीना ही है ना, तो उसमें अर्जुन की छाल का पाउडर डाल के पीजिए, तो दो फायदे होंगे। भविष्य के लिए आपको हार्ट अटैक फ्री होने की गारंटी। तो अब तक आपके रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल जमा है इसको निकालना है बाहर, तो अर्जुन की छाल इसमें सबसे ज्यादा उपयोगी है। और सौभाग्य की बात यह है कि 40 रुपए किलो मिलती है, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो अर्जुन की छाल मिलती है और 150 रुपए किलो चाय मिलती है और 1400 रुपए किलो कॉफी मिलती है। तो कुछ तो होशियार बनिए, मारवाड़ी बनिए, कुछ तो अपने रक्त में लाइए, मारवाड़ का, राजस्थान का, गुजरात का। तो 30 दिन आगे जनवरी के रोज सवेरे अर्जुन की छाल का पाउडर दूध में डालकर पीते रहिए। और अगले साल का याद रखिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो ये 3 महीने अर्जुन की छाल पिया तो पूरे साल भर का कचरा निकालता है और अगले सालों की गारंटी, हार्ट अटैक फ्री। क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए? एक गिलास दूध तो आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर, आधा चम्मच माने टी स्पून, और इसमें अगर गुड़ मिलाएंगे तो बहुत अच्छा। गुड़ नहीं मिले तो गुड़ को बनने से पहले की स्टेज है, लिक्विड फॉर्म का गुड़, वो काकवी कहलाता है। नहीं तो गुड़ डालिए, नहीं तो काकवी डालिए, नहीं तो खांड डालिए, अंत में कुछ नहीं मिलता तो बूरा डालिए। और बूरा वो वाला जो राजस्थान में बनता है, बिहार में बनता है, उत्तर प्रदेश में, यहां का नहीं। चीनी को पीस के बूरा, वो चीनी ही है, बूरा नहीं, क्योंकि बागवट्टी जी की सूची में कहीं शुगर नहीं है, शक्कर नहीं। चीनी बनना 200-250 साल से शुरू हुआ है। 3,500 साल पहले गुड़ बनता था, काकवी बनती थी, खांड बनती थी, बूरा बनता था। जी जी, मिश्री, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने कहा, मुझे भूल गया, मैं आपसे पहले ही कहना चाहता था। मिश्री, मिठाइयों में मिश्री सबसे ऊंचे स्थान पर है, गुड़ से भी ऊंची है मिश्री। सोंठ है तो बहुत अच्छा है, अर्जुन छाल और सोंठ दोनों का ही गुण है वात को खत्म करने का। तो वात के रोगी तो जरूर पिए इसको। और वात के रोग क्या क्या है आप जानते हैं? ये घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, हार्ट अटैक, डायबिटीज, ये सब वात के रोग हैं। कहा जाता है कि दाल और दही साथ में नहीं लेना चाहिए, बहुत जन कहते हैं। तो हम दाल चावल खा लेते हैं और उसके बाद अगर खाने के बाद छाछ पी लेंगे तो क्या वो सही रहेगा? देखिए, जैन अगर आप में से कोई है तो मेरी बात तुरंत समझ जाएंगे। द्विदल, द्विदल समझते हैं, एक दाल के जिसके दो, द्विदल के साथ दही का निषेध है। बागवट्टी जी ने भी कहा है, महावीर स्वामी ने भी कहा है, गौतम ऋषि ने भी कहा, सबने कहा, द्विदल के साथ दही का निषेध है। तो अब इनका प्रश्न है कि हमने तो दाल चावल खाया, चावल तो ठीक है, दाल तो द्विदल ही है, अरहर की खाएं, मूंग की खाएं, मसूर की खाएं, तो द्विदल है, तो द्विदल के साथ दही कैसा? तो उसके लिए बागवट्टी जी कहते हैं कि कभी भी द्विदल के साथ अगर दही खाएं तो अच्छा है, ना खाएं। लेकिन खा रहे हैं तो दो बातों का ध्यान रखें कि दही की तासीर बदलें और उसकी तासीर को बदलकर जैसी दाल है वैसी तासीर करें, माने दही का प्रोटीन कंटेंट बढ़ाएं, वैसे तो है और ज्यादा बढ़ा। तो इसके लिए बहुत सरल उपाय है आपके रसोई में। रसोई में 3 चीजें ऐसी हैं जो दही की तासीर को तुरंत बदलती हैं। एक तो है जीरा, दूसरा है सेंधा या काला नमक, आयोडीन युक्त नमक नहीं, तीसरी है अजवाइन। तो मेरा ऐसा निवेदन है कि अगर आप ताक पी रहे हैं दाल चावल के साथ तो अजवाइन का, जीरे का बघार ले लें और थोड़ा सेंधा नमक डाल लें, फिर पी लें। अदरक, अदरक की जगह सूंठ, दही में कभी भी अदरक उपयोग नहीं होता, सूंठ उपयोग होता है। अदरक और सूंठ में थोड़ा अंतर है, सूंठ तो अदरक से ही आता है लेकिन सूंठ का गुण अदरक से ज्यादा है। फ्रूट्स खा सकते हैं भरपेट, वैसे फ्रूट्स का बागवट्टी जी कहते हैं सुबह खाएं खाली पेट तो सबसे अच्छा, माने नाश्ता ही फ्रूट का करें, जूस भी पीना है तो फ्रूट का पिए, तो सुबह का समय फ्रूट्स के लिए सबसे अच्छा है। लेकिन बाकी समय में भी आप फ्रूट्स कभी भी खा सकते हैं जो प्रकृति के द्वारा पकाया गया, माने कैल्शियम कार्बाइड मिला के नहीं पकाया गया।
छाछ शरीर के लिए ठंडा करता है, तो बच्चों को भी दे सकते हैं? दे सकते हैं जी, दे सकते हैं बिल्कुल। अजवाइन डाल के बच्चों को, 3 महीने के बच्चे को अजवाइन की छाछ दी जा सकती है। पानी जो आपने कहा थोड़ा गुनगुना पीना चाहिए, हर मौसम में पी सकते हैं, गर्मी के मौसम में भी? गर्मी के मौसम में थोड़ा इसके लिए आप छूट ले सकते हैं, आप चूंकि मद्रास में रहते हैं इसलिए छूट ले सकते हैं। गर्मी के दिनों में सवेरे का पानी तो गुनगुना ही रखिए, बाकी दिन का पानी अगर आप पिए तो मिट्टी के बर्तन का भी पी सकते हैं। सनबर्न, सनबर्न के लिए लार बहुत अच्छी है। देखिए, आप में से किसी भी माता या बहन को डार्क सर्किल की समस्या हो, आंखों के नीचे काले काले घेरे हैं, नियमित रूप से सुबह उठकर अपने लार की मालिश करते रहिए, आपके सारे डार्क सर्किल बिल्कुल चले जाएंगे। फेयर एंड लवली से ज्यादा प्रभावी है। मटकी का जो पानी होता है गर्मियों में, राजस्थान में ठंडी से ठंडी मटकी ला के हम पीते हैं, तो इतना ठंडा पानी पिए या नहीं? जो मिट्टी के घड़े का पानी है वो रूम तापमान से थोड़ा ही कम है, जैसे रूम टेम्परेचर 25 डिग्री होगा तो मिट्टी के घड़े का पानी 23 डिग्री तक होगा, तो ज्यादा ठंडा नहीं है। ये जो फ्रिज का पानी है ये 4 डिग्री का होगा, 3 डिग्री का होगा, ये बहुत ठंडा है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी नॉलेज मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर उन सभी दोस्तों को कीजिएगा जिनको इस वीडियो से न्यू नॉलेज सीखने मिले। हमारे आने वाले न्यू वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।